नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले हिसार से। आप सभी को जानकारी दे दें कि हिसार में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। डेयरी में काम करने वाले एक व्यक्ति ने अपने कमरे के अंदर सुसाइड कर लिया है। दरअसल मामला ये बताया जा रहा है कि 4:10 पर एक अनलोडिंग के लिए ट्रक आया था और ट्रक में से सामान उतरवाने के बाद अजय अपने कमरे में चला गया था और कमरे में जाने के बाद उसने अपना कमरा अंदर बंद कर लिया। अजय एक डेयरी में काम किया करता था और उसके मामा ने परिजनों पर आरोप लगाए हैं कि परिजन उनको परेशान करते थे और अजय को डराते धमकाते थे, जिसका मामला पहले ही जो है चौकी में दर्ज हुआ था। और जैसे ही अजय ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला तो सुबह मालिक ने फ़ोन किया। मालिक ने फ़ोन नहीं उठाने के बाद अजय के शव को जो है शटर को काटकर निकालने का काम किया गया है। दरअसल सुसाइड के मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं। पता नहीं ये सुसाइड है या फिर लोगों को प्रेशराइज कर सुसाइड करवाने के लिए आतुल किया जाता है। दरअसल मामला हिसार का सामने आया था, जिसमें युवक अजय ने जो है अपनी डेयरी के अंदर ही सुसाइड कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने अजय के शव को बाहर निकालने का काम किया। ये बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना है एसएचओ का इस पूरे प्रकरण को लेकर। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। तो आप सभी को जानकारी दे दें कि मामला हिसार का है, जिसमें एक युवक ने सुसाइड कर लिया है। आप सभी को बता दें कि युवक ने सुसाइड जो है तड़के सवेरे किया है। 4:10 पर युवक ने एक ट्रक को उतारा और ट्रक की अनलोडिंग करने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। जब तक सारा मामला सही था। इसके बाद जब थोड़ी देर बाद ट्रक के मालिक ने और डेयरी के मालिक ने उसे फ़ोन किया तो तब उसका फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद जब डेयरी मालिक यहां पर पहुंचे तो उसने देखा कि उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने शटर को तोड़कर इसको शव को बाहर निकाला और अब मर्चरी हाउस में ले जाया गया है। युवक के परिजनों ने युवक के दूसरे परिजनों पर सुसाइड कर आरोप लगाया है और उनका ये भी कहना था कि परिवार में उस मृत व्यक्ति को जिसने सुसाइड किया है उसके परिवार वाले तंग भी करते थे। दरअसल मामला हिसार का बताया जा रहा है, जिसमें युवक ने डेयरी में ही सुसाइड कर लिया है। परिवार वालों का कहना है कि उसको कहीं ना कहीं परिजन परेशान किया करते थे। मरने वाले युवक के मामा ने कुछ परिजनों पर ये आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि उनकी ही वजह से इस व्यक्ति ने सुसाइड किया है। पुलिस ने खैर पोस्टमार्टम के लिए शव को शवगृह में रख दिया और कुछ ही लम्हों में उसके पोस्टमार्टम को किया जाएगा और कार्रवाई ये भी की जाएगी कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं परिजनों से। आजाद नगर थाना अंदर, हाँ आजाद नगर थाना अंदर का सब आधार कार्ड है, आदेश करें, आदेश करें, दरखास्त मेरी बैंकिंग का पिताजी ने साथो, अरे एक इन साथो लड़को, हाँ आपके मामा, मामा में करो आजाद नगर थाना अंदर, हाँ आजाद नगर थाना अंदर का सब आधार कार्ड है, आदेश करें, आदेश करें, दरखास्त मेरी बैंकिंग का पिताजी ने साथो, अरे एक इन साथो लड़को, हाँ आपके मामा, मामा में करो आजाद नगर थाना अंदर, हाँ आजाद नगर थाना अंदर का सब आधार कार्ड है, आदेश करें, आदेश करें, दरखास्त मेरी बैंकिंग का पिताजी ने साथो, अरे एक इन साथो लड़को, हाँ आपके मामा, मामा में करो अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।